खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां महाराष्ट्र गंज थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव में बुढ़ऊ बाबा स्थान से उत्तर ग्रामीणों ने गांव निवासी दुलारी यादव के घर के पास स्थित तालाब से एक मगरमच्छ को पकड़कर वन विभाग को सुपुर्द कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार गांव में बंधे के उत्तर तरफ दुलारी यादव ने घर के पास ही तालाब में मछली पालन कर रखा है। सोमवार की दोपहर से तालाब में लोगों ने एक मगरमच्छ को देखा, दहशत में आ गए। इसकी सूचना स्थानीय पुलिस व जल विभाग के लोग को दिया, किंतु कोई भी जिम्मेदार मौके पर नहीं पहुंचा। ग्रामीण ने साहस का परिचय देते हुए तालाब में पंपिंग सेट लगाकर पानी को निकालना शुरू कर दिया तथा मोटी रस्सी का जाल तालाब में डाला, जिसमें मंगलवार की भोर में लगभग 4 बजे वह फंस गया। जैसे यह खबर लोगों तक पहुंची, आसपास के कई गांवों के लोग भारी संख्या में उसे देखने के लिए मौके पर पहुंच गए। मगरमच्छ के पकड़े जाने की सूचना लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों को दिया। सूचना के बावजूद भी वन विभाग के रेंजर प्रमोद कुमार, वन दरोगा अवध बिहारी, वन रक्षक अरविंद सरवर, रोहित यादव, जीवन कुमार, धर्मेंद्र आदि कर्मचारियों के साथ लगभग 9 बजे मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से ट्रैक्टर ट्राली पर रखवा कर उसे गोरखपुर चिड़ियाघर के लिए ले गए। घड़ियाल को पकड़ने वाले गांव के रामसमुज यादव, राकेश यादव, संजय आकाश सिंह, ओम प्रकाश यादव, अमेरिका यादव, जेपी तिवारी एवं बुढ़ऊ बाबा सेवा समिति के सदस्यों के साहस की लोग चर्चा कर रहे हैं। चला।